हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस मेडिसिन डिटेल चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको आज मैं एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट के टॉप 20 क्वेश्चन करवाऊंगा और ये सब्जेक्ट है हमारा सातवां, जो कि इसमें जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट करवा दूंगा। दो चार वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस उसका। तो हम 20-20 क्वेश्चन ले लेंगे हर चैप्टर से। हर चैप्टर क्या कहें, मतलब दो चार चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करवा देंगे, उसमें ही आपका हो जाएगा पूरा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट का नाम है आज एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट, सब्जेक्ट का नाम है। और पार्ट टू वीडियो है, पहले एक आ चुकी है वीडियो, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, यूवी लाइट फ्रॉम द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, यूवी लाइट फ्रॉम द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। तो इसका जो आंसर होगा वो ओजोन, ओजोन इसका आंसर होगा। तो ओजोन जो बनती है कैसे बनती है, O2 प्लस पहले O2, उसके बाद में उसमें ऑक्सीजन और जुड़ती है और यूवी लाइट मिलती है, उससे ओजोन लेयर बनती है, यानी कि O3 बनती है। तो इसे कहते हैं चेन रिएक्शन इसे कहते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सीवेज वाटर कैन बी प्यूरिफाइड फॉर रिसाइकलिंग विद द हेल्प ऑफ, प्यूरिफाइड वाटर, सीवेज वाटर कैन बी प्यूरिफाइड फॉर रिसाइकलिंग विद द हेल्प ऑफ। तो इसका आंसर जो होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, इसका आंसर होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरे क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, द मेन कॉज ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस आर, द मेन कॉज ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस आर। तो इसका जो आंसर है वो होगा यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर, इंक्रीज्ड कंबशन ऑयल एंड कोल, डिफॉरेस्टेशन, ये तीनों जो है इसके आंसर है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ताजमहल इज थ्रेटेंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, ताजमहल इज थ्रेटेंडेड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ। तो इसका जो आंसर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड इसका आंसर है। दोस्तों कमेंट करिए, वीडियो में कमेंट करिए यूट्यूब चैनल पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस, इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच ऑफ द इज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, विच ऑफ द इज ए सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो इसका जो आंसर है वो है फैन इसका आंसर है। तो फैन की फुल फॉर्म जो है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पेन की फुल फॉर्म है, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद कर लेना दोस्तों। नोट्स बनाओ और उसमें लिख करके याद करो, आप पूरी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। द रिजल्ट ऑफ ओजोन होल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्लोबल वार्मिंग इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ओजोन होल का मतलब क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन, इस वजह से ओजोन होल हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। कॉमन इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन का कॉमन इंडिकेटर क्या है, वो है ई कोलाई से हमें पता चल जाता है कि वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जो भोपाल में जो गैस ट्रेजडी हुई थी वो कब हुई, मतलब किससे हुई थी। तो इसमें क्या है, भोपाल गैस ट्रेजडी इन 1984 वाज ड्यू टू लीकेज ऑफ। तो इसका जो आंसर होगा वो मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट इसको कहते हैं। और ये कब हुई थी, इसका दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, वो 1984 में भोपाल में गैस ट्रेजडी हुई थी, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्लैक लंग डिसऑर्डर इज
कॉमन इन, ब्लैक लंग डिसऑर्डर इज कॉमन इन, तो इसका जो आंसर है वो है माइनर्स, कोल माइनर्स इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली, तो इसका जो आंसर है वो एसटीपीएस। एसटीपीएस का मतलब होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसका आंसर जो है वो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है इसका एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। गुड ओजोन इज फाउंड इन, गुड ओजोन इज फाउंड इन, तो अच्छी ओजोन कहाँ पर मिलती है, वो है स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चिपको मूवमेंट वाज लेड बाई, चिपको मूवमेंट वाज लेड बाई, तो इसका जो आंसर होगा वो सुंदरलाल बहुगुणा, तो और ये कहाँ पर हुआ था, यूके में हुआ था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा, तो इसे देख लेते हैं। ग्रीन मफलर इज यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पोल्यूशन, ग्रीन ग्रीन मफलर इज यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पोल्यूशन, ग्रीन मफलर जो है कौन से पोल्यूशन के अगेंस्ट में काम करता है, तो फिर इसका जो आंसर है वो है नॉइस, नॉइस। तो ग्रीन मफलर में आपको बता दूं, जैसे कि हमारी कोई रोड है, रोड के किनारे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, रोड के किनारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, प्लांट्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो ऑटो व्हीकल्स की जो आवाज़ होती है, साउंड होती है, उन्हें रोकने का काम करते हैं, इधर का उधर नहीं जाने देते हैं, इधर भी और इधर भी रोक लेते हैं, उसे ग्रीन मफलर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे ग्रीन मफलर। तो अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस बिकॉज, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं, क्या कारण है, तो इसका जो आंसर है वो है इट ट्रैप्स इंफ्रारेड रेडिएशन, जो ये क्या करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज इज ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ, थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ, तो इसका आंसर क्या है, हीट फ्रॉम पावर प्लांट। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी ऑन क्रॉप्स प्रोड्यूस पॉल्यूशन ऑफ, स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी ऑन क्रॉप्स प्रोड्यूस पॉल्यूशन ऑफ, तो इसका जो आंसर है वो वाटर एंड सॉइल इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। इंसेक्टिसाइड अफेक्ट मोस्टली, तो इसका जो आंसर है वो है नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मैक्सिमम एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाई, तो इसका जो आंसर है वो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से मैक्सिमम एयर पोल्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि पीसीपी एक्ट पास्ड इन, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन पीसीपी एक्ट पास्ड इन, पीसीपी की फुल फॉर्म क्या है, पीसीपी की फुल फॉर्म है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये कब एक्ट पास किया गया, तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं 1981 में इसका एक्ट पास हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन, तो इसका जो आंसर होगा वो 1986 इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी ईपीए की फुल फॉर्म क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसकी फुल फॉर्म। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही है, तो थैंक यू दोस्तों, अगर मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसका कोर्स मैं एक दो वीडियो में ख़त्म करवा दूंगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।